का जो टॉप गेनर शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के तेजी के पीछे, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है शेयर को लेकर, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। क्या ट्रिगर्स हैं और ब्रोकिंग हाउसेज अब शेयर को लेकर अपना क्या व्यू दे रहे हैं, क्या टारगेट शेयर कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जेफरीज ने जो है बड़ी अपग्रेड लाई है शेयर को लेके, और शेयर में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। नए शिखर पे जो है शेयर आया है, और जो बिगेस्ट इंट्राडे गेन है अगस्त 2022 से शेयर को देखने मिला है। जेफरीज ने बाय रेटिंग रखा है, जो उसका लक्ष्य है 2900 रुपये प्रति शेयर का रखा है, और वही नहीं वित्त साल 2025-26 का जो EPS का अनुमान है अर्निंग पर शेयर का, उसको भी बढ़ा दिया गया। अब ये जो रेंज है 16% से लेकर 21% तक का हो चुका है, और मार्च तिमाही के नतीजे और ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस थी अच्छी तो थी अनुमान से बेहतर, और उसके कारण जो है और स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली और अपग्रेड्स आई थे ब्रोकरेजेस से। अब शेयर की बात करें तो जो टोटल 41 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से, उसमें से 36 एनालिस्ट यानी कि लगभग 90% एनालिस्ट अभी भी उनका बाय रेटिंग रखा हुआ है। इसमें ईवी का भी एक एंगल है, ईवी यूनिट में निवेश जो है करेगी M&M। यहाँ पर जो महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपनी है वहाँ पर लगभग 12,000 करोड़ का निवेश करेगी, और 31 मार्च 2027 इस डेट में जो है तक महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के निवेश करेगी कंपनी, और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक का जो गठन है अक्टूबर 2022 में ऑलरेडी देखने मिल चुका है। अब हमने बात की थी कि फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड्स क्या आई है, तो ऑफकोर्स मैं बता लेता हूँ कि जो नए लक्ष्य है उस पर फोकस कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली का लक्ष्य है ऑलमोस्ट 2,665 रुपीज़ शेयर, और गोल्डमैन सैक्स का देखें तो 2,700 रुपये 700, और CLSA का 2,312। सभी में जो देखें तो अच्छी सिग्निफिकेंट जंप प्रीवियस टारगेट प्राइस से देखने मिल रही है।